साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और अब वक्त हो चला है प्राइम 100 का। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, बोले मुझे कांग्रेस वालों ने 91 बार गालियां दी, ये इतनी मेहनत गुड गवर्नेंस में करते तो खराब हालत नहीं होती। खड़गे के बयान पर राजनाथ का पलटवार, कहा कांग्रेस लोकतांत्रिक परंपराओं को कतर रही, पीएम व्यक्ति नहीं संस्था। कर्नाटक से प्रियंका गांधी का वार, बोली लोगों की सुनने के बजाय अपनी व्यथा सुनाने वाले हैं पीएम मोदी। अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए एसईबीआई ने एससी से मांगा समय, महुआ मोइत्रा बोली क्या मजाक है ये। पीएम के बयान पर कांग्रेस का वार, बोले कर्नाटक में ध्रुवीकरण के लिए गंदी चालें चलने के लिए शाह और योगी पर छोड़ देते हैं। संजय राउत का सरकार पर हमला, बोले इस्लामिक रिफाइनरी के लिए हिंदुत्ववादी सरकार लोगों पर कर रही है हमला। सीएम अरविंद केजरीवाल, बोले बहनों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों की हो फांसी, पहलवानों के समर्थन में पहुंचे जंतर मंतर। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे अधीर रंजन चौधरी, संतोष गंगवार लोक उपक्रम समिति के चेयरमैन। अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर किया वार, बोले मनरेगा के लिए धन मुहैया नहीं किए जाने पर टीएमसी नई दिल्ली में देगी धरना। महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर निशाना, कहा इतने सुरक्षित इलाके में पुंछ आतंकी हमला कैसे हो गया, सवाल पूछा जाना चाहिए। मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर अनोखी पहल, रेत से बनाई 100 रेडियो के साथ पीएम मोदी की तस्वीर। पहलवानों के हक में उतरे पंजाब के खेल मंत्री, मीत हेयर बोले आज देश शर्मिंदा, भारत का नाम चमकाने वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग, जय कृष्णा की पत्नी ने एससी में दायर की याचिका, कहा बिहार सरकार का फैसला गलत। केंद्रीय मंत्री बोले डार्विन का चैप्टर हटाने पर झूठा प्रचार हो रहा है, एनसीईआरटी की साइंस बुक में बदलाव के बाद 1800 साइंटिस्ट टीचर्स ने लिखा था लेटर। दिल्ली के एलजी के पास पहुंचा सीएम बगले का मुद्दा, वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी, कहा फाइलें सुरक्षित रखें। पीएम मोदी काशी तेलुगु संगमम से जुड़े, गंगा पुष्कर मेले में आए श्रद्धालुओं से कहा दक्षिण भारतीय राज्यों ने देश को कई महान संत दिए। आप नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी पर बोला हमला, बहराइच में कहा देश की बेटियां धरना दे रही हैं लेकिन प्रधानमंत्री खामोश है। बनारस को बनाएंगे विश्व स्तरीय शहर, सीएम योगी बोले ट्रिपल इंजन की सरकार से काम होगा आसान। वाराणसी में भाजपा ने बाहर किए चुनाव के 50 बागी, 36 वार्डों में प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने या लड़ाने वाले निष्कासित।
गाजियाबाद में आपका पार्षद प्रत्याशी अरेस्ट, जिला बदर घोषित अपराधी इलाके में ही रहकर लड़ रहा था चुनाव। शामली में कपलिंग टूटने से दो हिस्सों में बटी पैसेंजर, भगदड़ में लगभग 25 यात्री चोटिल, चश्मदीद बोले स्पीड कम होने से टला बड़ा हादसा। एनसीईआरटी की नकली किताबों का बड़ा खुलासा, वेस्ट यूपी के 15 जिलों में हर साल खपाई जा रही 40 करोड़ की किताबें, सरगना अरेस्ट। सहारनपुर में 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 3 महिलाओं की अलग अलग हुई हत्या के मामलों में सुनाया फैसला। अलीगढ़ में 2 फर्जी दरोगा गिरफ्तार, एक वर्दी तो दूसरा सीबीआई का कोर्ट दिखाकर करता था ठगी, अधिकारियों पर बनाते थे दबाव। आजमगढ़ में मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, चालक की दब कर मौत, मिट्टी लाद कर गांव में ले जा रहा था। मथुरा में ट्रेन के आगे कूदे युवक युवती, लड़की की मौके पर हुई मौत, लड़के ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा, हरियाणा से आए थे मथुरा। मेरठ में सपा प्रत्याशी के चुनावी मंच से हेट स्पीच, मन से उगला धार्मिक जहर, प्रत्याशी पति वक्ता सहित 40 पर मुकदमा। निकाय चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारी तेज, क्यूआरटी का पुलिस लाइन में कराया गया अभ्यास, चुनाव को लेकर अलर्ट है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट। बलिया में पृथ्वीराज चौहान की मनाई गई जयंती, बोले भारत माता की रक्षा करते वीर गति को प्राप्त हुए, भाजपा सरकार ने नहीं दिया सम्मान। डीएम ने की विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक, बोले अनावश्यक रूप से उपभोक्ता को ना करे परेशान, आरसी की वसूली समय से करे। सड़क हादसे में भाजयुमो नेता की बहन की मौत, एक घायल बाइक सवार को बचाने में पलटी कार, जिला अस्पताल में लगा भाजयु पाइयों का जमावड़ा। कांग्रेस को वोट देने का सपा जिलाध्यक्ष का आया वीडियो, जिलाध्यक्ष बोले कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किया, एसपी से करेंगे शिकायत। श्रावस्ती में चोरों ने लाखों का जेवर और नकदी उड़ाया, घर में सीढ़ी के सहारे दाखिल हुए बदमाश, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 2.5 महीने पहले हुई थी शादी, मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, आजमगढ़ में पति पत्नी समेत 5 की मौत, बांस से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी बुलेरो। दो बहनों को झांसा देकर अपहरण करने वाले 2 युवक गिरफ्तार, सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन से गए पकड़े, झांसा देकर साथ ले जा रहे थे। देवरिया में दहेज उत्पीड़न में पति सास समेत 4 पर मुकदमा, शादी के बाद 2 लाख रुपए और 4 पहिया गाड़ी की कर रहे थे मांग। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एक्शन, बागी 5 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित, सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ डीएमएसपी ने की पैदल गश्त, निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की मुस्तैदी बढ़ी, अराजक तत्वों पर रहेगी पैनी नजर। ग्रेटर नोएडा में ई टिकट की कालाबाजारी करने वाले 2 गिरफ्तार, 500 से 2000 ज्यादा लेकर बेचते थे टिकट, रेलवे को करोड़ों का लगा चुके हैं चूना।
असद गुलाम एनकाउंटर स्पॉट पर पहुंचे अमिताभ ठाकुर खुद जमीन पर लाश की तरह लेटे वीडियो बनाए, बोले फैक्ट हत्या की तरफ कर रही है इशारा। महोबा में प्रचार के दौरान बिगड़ी सभासद प्रत्याशी की तबियत, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत, पांचवी बार लड़ रहे चरखारी से चुनाव। गोरखपुर में कोरोना के 24 केस मिले, संक्रमितों में AIIMS के 2 छात्र भी शामिल, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 116। भदोही में सपा नेता हुसैन अंसारी कांग्रेस में हुए शामिल, भावुक होने पर अजय राय ने पोछे आंसू, सपा ने घोषणा के बाद काटा था टिकट। रायबरेली में करंट से युवक की हुई मौत, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, बोले बिजली विभाग की लापरवाही से गई जान। दो दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे सीएम धामी, सीएम ने निर्माणाधीन विकास कार्यों का स्थलीय किया निरीक्षण। मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण को सीएम धामी का बयान, मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण कई मायनों में है महत्वपूर्ण। खरो सफारी निर्माण को लेकर हरीश रावत ने हरक सिंह पर बोला सियासी हमला, सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट। उत्तराखंड में समिति का कार्यकाल फिर बढ़ाने की तैयारी, मिले 125,000 से अधिक सुझावों में। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के विरुद्ध उत्तराखंड शासन ने तेज की कार्रवाई, अब खुफिया विभाग भी मैदान में उतरेंगे। बद्रीनाथ हाईवे पिनौला में टेया पुल के पास मलबा आने से बंद, केदारनाथ में मौसम खुला, गंगोत्री यमुनोत्री में छाए बादल। में हाथीपाव मार्ग पर अंधेरे में पैर फिसलने से खाई में गिरे बिहार से घूमने आए दो युवक, SDRF ने निकाला। केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण पर 3 मई तक लगी रोक, खराब मौसम को देखते हुए शासन ने लिया फैसला, मौसम सामान्य होने पर शुरू होंगे पंजीकरण। बद्रीनाथ के दर्शन कर लौट रहे राजस्थान के यात्रियों की बस पुश्ते पर अटकी, डरावना मंजर देख मची चीख पुकार। चार धाम से तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, मौसम ने बढ़ाई मुश्किल। बद्रीनाथ धाम के नीलकंठ पर्वत की तलहटी में हुआ हिमस्खलन, 15 मिनट तक उड़ता रहा बर्फ का गुबार। उत्तराखंड में दूसरे साल भी अप्रैल में बिजली मांग का आंकड़ा 4 करोड़ यूनिट पार, आपूर्ति की चुनौती बढ़ने के आसार। गर्मी बढ़ने के साथ ही फिर शुरू हो सकती है बिजली कटौती, बराबर चल रहा मांग और उपलब्धता का आंकड़ा। उत्तराखंड में दूषित पेयजल से होने वाली बीमारियों में भारी कमी, पेयजल विभाग NHM की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उत्तराखंड के रामनगर में युवक की गोली मारकर हत्या, सुबह सड़क किनारे पड़ा मिला शव, परिजनों में मचा हंगामा। अमेरिका के टेक्सास में शूटिंग आरोपी ने पड़ोसी के घर में घुसकर फायरिंग की, 8 साल के बच्चे समेत 5 की मौत।
पाकिस्तान ने अमेरिका से की मिलिट्री फंडिंग की मांग, अमेरिकी अधिकारी बोले आईएमएफ की शर्तें कड़ी हैं पर उन्हें मान ले। एससीओ की मीटिंग में रूस ने किया चीन का बचाव, राजनाथ के सामने रूसी रक्षा मंत्री ने क्वाड को कोसा, भारत भी इसका सदस्य। किम जोंग की बहन बोली बाइडेन बूढ़े कमजोर, कहा नॉर्थ कोरिया के खिलाफ उनका बयान बेतुका, वो अमेरिका को नहीं बचा सकते। सात साल बाद सऊदी ईरान फिर खोलेंगे दूतावास, ईरानी विदेश मंत्री बोले ये जल्दी होगा, ईद पर बातचीत के बाद लिया फैसला। फिर बड़ा तनाव, अमेरिका की चीन को चेतावनी, भड़काऊ हरकतें बंद कर दे, चीन के जहाज से टकराने से बच गए। चीन के साथ बाइडेन की आर्थिक कूटनीति को धक्का, वित्तीय सुधार की दिशा में अमेरिका कर रहा प्रयास। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री इलाही के आवास पर पुलिस का छापा, 25 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान ने हथियार के नाम पर यूक्रेन को दिया धोखा, घटिया क्वालिटी के रॉकेट हो रहे आधे रास्ते में फुस। सिडनी में भारतीय मूल का शख्स निकला सीरियल रेपिस्ट, लोगों ने की कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग, बालेश धनखड़ को ठहराया गया दोषी। की तैयारी में रिलायंस इंडस्ट्रीज, अक्टूबर के लास्ट तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आ सकता है आईपीओ। अडानी हिंडनबर्ग केस में एसईबीआई ने एससी से और समय मांगा, कहा 6 महीने में जांच खत्म करने की कोशिश करेंगे। लॉन्च से पहले मारुति जिमनी की प्राइस हुई लीक, 9.99 लाख रुपए में मिलेगी एसयूवी, 7 कलर्स और 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल होंगी। पार्टी मॉन्स्टर एसपी 2 मई को होगी लॉन्च, एबीएस ऑन कॉर्नरिंग और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स एक्सपेक्टेड, प्राइम 15.95 लाख। अल्ट्राट्रैक सीमेंट का Q4 FY23 का रिजल्ट आया सामने, नेट प्रॉफिट 32% घटकर 1,665 करोड़ रहा, रेवेन्यू 18% बढ़ा। एसर स्विफ्ट गो अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप भारत में लॉन्च, 13 जनरेशन इंटेल कोर एस सीरीज प्रोसेसर के साथ मिलेगा 14 इंच का OLED डिस्प्ले। फेमा उल्लंघन में बायजू सीईओ रविंद्रन के 3 ठिकानों पर ईडी के छापे, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डाटा जब्त। भारतीय मूल के पूर्व सीईओ ने धोखाधड़ी का आरोप किया स्वीकार, सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप से जुड़ा है मामला। जेट एयरवेज के मनोनीत सीईओ संजीव कुमार कपूर ने पद छोड़ा, 1 साल पहले 4 अप्रैल 2022 को सीईओ के रूप में ज्वाइन किया था। विदेशी मुद्रा भंडार 2.16 अरब डॉलर घटा, फॉरेन करेंसी अस्टेस में 2.146 अरब डॉलर की गिरावट। गुजरात ने जमाई जीत की हैट्रिक, कोलकाता को उसी के होम ग्राउंड पर 7 विकेट से हराया, टेबल के टॉप पर आया। दिल्ली से लगातार 5 हार के बाद जीता हैदराबाद, मौजूदा सीजन में 3री जीत, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन ने जमाया अर्धशतक।
खिलाड़ियों ने ट्रायल देकर नेशनल खेला, वह देश से बड़ी नहीं, नियम बदलने की बातें झूठी। आमने सामने बबीता बोली, छेड़छाड़ का आरोपी प्रियंका का सचिव धरने में आया, विनेश ने कहा आंदोलन कमजोर मत करो। सात्विक चिराग एशियन बैडमिंटन के गोल्ड से एक कदम दूर, मेंस डबल्स कैटेगरी में 61 साल बाद चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची भारतीय जोड़ी। मैच के दौरान पाकिस्तान की हुई किरकिरी, अंपायर को सही कराना पड़ा 30 यार्ड का सर्कल। गुजरात के खिलाफ मैच गंवाने के बाद बेहद निराश देखकर केकेआर कप्तान नीतीश राणा, नीतीश ने टीम के साथ अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराया। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, जसप्रीत बुमराह के बाद उमेश यादव चोट के कारण हुए बाहर। काउंटी में जमकर चला चेतेश्वर पुजारा का बल्ला, डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहले लगाया दूसरा शतक। कप्तानी को लेकर रवि शास्त्री का बड़ा बयान, कहा रोहित की अनुपस्थिति में कोहली ही संभाले कमान। किंग चार्ल्स तृतीय होंगे ब्रिटेन के 40वें सम्राट, राज्याभिषेक समारोह में शामिल होंगी सोनम कपूर, टॉम क्रूज, विनी द पूह भी होंगे मौजूद। बोले पठान को हिट कराने में मेरी भूमिका नहीं, कहा शाहरुख से कोई छीन नहीं सकता क्रेडिट, फैंस उन्हें देखने के लिए तरस गए थे। शिल्पा शेट्टी पर छाया डांस का खुमार, बाजीगर के गाने पर थिरकी एक्ट्रेस, फैंस बोले आज भी उतनी ही यंग और गॉर्जियस हैं आप। आशा बसु ने मनाई शादी की 7वीं सालगिरह, पति करण सिंह ग्रोवर के साथ शेयर किया थ्रोबैक वीडियो, लिखा मैंने सोलमेट से की शादी। मलाइका अरोड़ा ने ऑटो ड्राइवर के साथ नहीं ली सेल्फी, बुरी तरह हुई ट्रोल, लोगों ने कहा ये एटीट्यूड सही नहीं। इरफान की आखिरी फिल्म की को देखने पहुंचे बेटे बाबिल, सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन की स्क्रीनिंग पर हुए भावुक, पिता के पोस्टर का किया किस। फैंस के बीच फंसे शाहरुख खान, श्रीनगर एयरपोर्ट पर सेल्फी के लिए लोगों ने घेरा, कश्मीर में चल रही थी डंकी की शूटिंग। फिर देखने को मिली सलमान गोविंदा की जोड़ी, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में नजर आई जुगलबंदी, पार्टनर के गाने पर जमकर थिरके दोनों स्टार। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी को लोग मारते थे ताना, कहते थे आप स्टार किड हैं तो आपको तो बहुत आसानी से चीजें मिल जाती होंगी। मैंने कैटरीना को पंजाबी सिखा दी, विकी कौशल बोले कैटरीना की आवाज में कि हाल चाल सुनते ही मैं बेहोश हो जाता हूं। प्राइम 100 में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।